आज के परिवेश में प्लास्टिक हमारी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जम्मू कश्मीर के ना सिर्फ शहरों बल्कि गांवों में भी इसका उपयोग बड़े स्तर पर होता है। रोजमर्रा की हर वस्तु अब प्लास्टिक की बनने लगी है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान ही संपूर्ण विश्व के लिए संकट बन गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में प्रतिदिन 25,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा निकलता है, जिसका मात्र 20% हिस्सा ही रिसाइकल हो पाता है। इन कचरों में बड़ा हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का है, यानी कि प्लास्टिक के वो उत्पाद जिनका उपयोग आमतौर पर मात्र एक बार ही किया जाता है। पानी की बोतल, फोम वाले कप, प्लेट, कटोरे, लेमिनेशन शीट्स, छोटे कंटेनर, ईयरबड्स, गुब्बारे, झंडे व पॉलिथीन के थैली आदि शामिल हैं। इस तरह के प्लास्टिक 40 माइक्रोमीटर से कम स्तर के होते हैं, इसलिए ना तो आसानी से इन्हें नष्ट किया जा सकता है और ना ही रिसाइकिल किया जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का अभियान छेड़ा है। आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करते हुए उसके अन्य विकल्प खोजे जाएं, जिसमें जम्मू कश्मीर की पंचायत राज संस्थाएं भी अपना अभिन्न योगदान दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने की जरूरत क्यों है? स्वर्ग से सुंदर जम्मू कश्मीर के गांवों की दशा आज सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से काफी खराब हो रही है। इसके कई दुष्परिणाम समाज के हर वर्ग पर पड़ते हैं। हमारे किसान वर्ग भी इससे अछूते नहीं हैं। इस तरह के प्लास्टिक कचरे से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, जिससे फसलों का उत्पादन घट रहा है। इतना ही नहीं, मिट्टी के जरिए प्लास्टिक कचरे के खतरनाक जहरीले रसायन हमारे खाद्य पदार्थों तक भी पहुंच रहे हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कई शोधों में प्लास्टिक रसायनों से कैंसर होने की संभावना भी सामने आई है। किसानों के लिए उनका पशुधन ही उनकी पूंजी है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक आज पशु पक्षियों के जीवन के लिए भी खतरा बन चुका है। यहाँ वहाँ बिखरे प्लास्टिक को खाने से हर साल बड़ी तादाद में गाय, भैंस व अन्य जानवरों की मौत हो जाती है। कई बार तो इन पशुओं के पेट से कई किलोग्राम की मात्रा में प्लास्टिक कचरा निकलता है। जम्मू कश्मीर के गांवों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए ग्राम सभाएं कई कदम उठा सकती हैं, जैसे लोगों को प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना, प्लास्टिक कचरे को संसाधन के तौर पर उपयोग करना, विकास खंडों में उन गांवों की पहचान करना जहां प्लास्टिक कचरे की समस्या विकराल है, ऐसे गांवों को चयनित कर वहां प्लास्टिक पॉलिथीन कचरे के लिए शेड निर्माण करना, कॉम्पैक्टर मशीनों का उपयोग करना, रिसाइकलिंग प्लांट लगाना, प्लास्टिक पॉलिथीन कचरे का विकल्प तैयार करना, 40 माइक्रोमीटर कण से कम के प्लास्टिक उत्पाद उपयोग ना करना, कचरा फैलाने पर जुर्माना वसूलना। प्लास्टिक मुक्त ग्राम, बीमारी मुक्त ग्राम। प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ, गांव को अपने सुंदर बनाओ। जय हिंद, जय भारत।